गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरडी भट्ट इंग्लिश रीडर क्लास फिफ्थ का आज आप पढ़ेंगे। दिस इज द बुक विच इज प्रेस्क्राइब्ड बाय आवर मैनेजमेंट। यही बुक आपको क्लास फिफ्थ में पढ़ाई जाएगी। आप रीडर पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप किताब को अति शीघ्र ले लें, जिससे आपको वर्ड्स मीनिंग, क्योंकि वर्ड मीनिंग अभी नहीं लिखाया जा रहा है, तो आप सुनते रहेंगे तो आपको वर्ड मीनिंग की जानकारी होती रहेगी। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे जो शायद पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा, अबाउट थॉमस अल्वा एडिसन, हु वाज़ ए साइंटिस्ट ऑफ अमेरिका एंड इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। एडिसन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी। एडिसन 20वीं शताब्दी के एक महान वैज्ञानिक हुए। हिज फुल नेम ऑफ वॉज थॉमस अल्वा एडिसन। उनका पूरा नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। ही इज फेमस फॉर हिज इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। वो अपने विद्युत बल्ब के आविष्कार के लिए ही बहुत ज़्यादा फेमस हुए, प्रसिद्ध हुए। द ग्रामोफोन एंड मैनी अदर यूजफुल थिंग्स, और उनका आविष्कार किया हुआ ग्रामोफोन और बहुत सारी जो लाभदायक चीज़ें हैं उन्होंने आविष्कार किया। एडिसन वॉज बॉर्न इन 1847 इन ए स्मॉल विलेज ऑफ अमेरिका। थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 1847 ईस्वी में अमेरिका के एक छोटे से गांव में हुआ था। हिज फादर वॉज ए पुअर कारपेंटर। उनके पिता एक बहुत गरीब बढ़ई थे, लकड़ी का काम करने वाले थे। सिंस चाइल्डहुड यानी बचपन से ही एडिसन वॉज वेरी इनक्विसिटिव। बचपन से ही जो एडिसन थे वो बहुत इनक्विसिटिव मीन्स क्यूरियस, कीन यानी कि उत्सुक, बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। ही यूज टू आस्क सो मेनी क्वेश्चंस। वो हमेशा बहुत प्रश्न पूछा करते थे अपने बचपन में, वो बहुत प्रश्न पूछा करते थे। दैट सम पीपुल इवन थॉट दैट देयर वॉज समथिंग रॉन्ग विथ हिम। इसलिए लोग ये सोचते थे एडिसन के बारे में कि इसके साथ कुछ गलत हो रहा है, या ये लड़का कुछ दिमाग से कमज़ोर है कि हमेशा कुछ न कुछ पूछता रहता है। वन डे हिज टीचर वॉज टीचिंग अबाउट द वर्ड्स इन द क्लास। एक दिन उनकी जो टीचर थी, अध्यापक थी, वो उनको चिड़ियों के बारे में पढ़ा रही थी। सडनली एडिसन गॉट अप, अचानक एडिसन खड़ा हुए, एंड आस्क्ड, और उन्होंने पूछा, मैडम हाउ कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक बर्ड्स। आदमी चिड़ियों की तरह से क्यों नहीं उड़ सकता। उन्होंने अपने टीचर से पूछा, मैडम ये आदमी जो चिड़िया उड़ जाती हैं तो आदमी क्यों नहीं उड़ सकता। टीचर ने उत्तर दिया, बिकॉज दे डोंट हैव विंग्स, क्योंकि मनुष्य के पास पंख नहीं होते। फिर एडिसन ने नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया, बट मैडम काइट्स आल्सो हैव नो विंग्स, लेकिन पतंग के तो कोई पंख नहीं होता है, देन हाउ कैन दे फ्लाई, तो वो कैसे उड़ते हैं। चिड़ियाँ अगर पंख से उड़ती हैं तो मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकते, पहले पूछा। जब उन्होंने बोला कि उनके पंख होते हैं, तो एडिसन ने कहा, लेकिन पतंग के तो कोई पंख नहीं होता है, तब भी वो उड़ता है। हिज टीचर वॉज इरिटेट। उसकी जो अध्यापिका थी वो बहुत क्रोधित हो गई। सी थॉट दैट एडिसन वॉज आस्किंग अननेसेसरी क्वेश्चन। उन्होंने ये सोचा कि ये एडिसन एक बहुत ही बेकार प्रश्न पूछता रहता है। सो ही आस्क्ड हिज पेरेंट्स, इसलिए उनके माता पिता से उन्होंने कहा, टू टेक हिम आउट ऑफ द स्कूल, कि वो इसको स्कूल से बाहर निकाल लें। दस एडिसन वॉज टेकन आउट ऑफ द स्कूल एट एन अर्ली एज। इसलिए एडिसन को बहुत कम उम्र में ही स्कूल से निकाल दिया गया। ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम हिज मदर एट होम।
उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपनी माँ से घर पर ही सीखा। He was fond of asking all sort questions and was never satisfied until he got the right answer. वह प्रश्न पूछने का, छोटे छोटे प्रश्न पूछने का बहुत शौकीन था और वह तब तक संतुष्ट नहीं होता था जब तक उसको सही उत्तर ना मिल जाए। His mother always heard him patiently and tried to answer all his questions. उनकी माँ उनकी बातों को बहुत धैर्यपूर्वक सुनती थी और कोशिश करती थी कि उनके प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। एडिसन वॉज गुड ऑब्जर्वर। एडिसन एक अच्छा ऑब्जर्वर, निरीक्षण करने वाला वो था। ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स मिनटली एंड डिड अलॉट। वह बहुत हर समय पर वह चीज़ों का निरीक्षण करता रहता था। एंड डिड अलॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स टू फाइंड आउट द रीजन्स बिहाइंड देम। और उनके पीछे क्या कारण है इसको वो जानने के लिए तमाम प्रकार के प्रयोग भी करता रहता था। एक्सपेरिमेंट्स वेयर सिली बट द लर्न अलॉट आउट ऑफ देम। वो कुछ तो उनके जो प्रयोग होते थे एडिशन के, कुछ तो बहुत मूर्खतापूर्ण होते थे, लेकिन उन मूर्खतापूर्ण चीज़ों से भी एडिशन बहुत कुछ सीख लेता था। वन डे एक दिन ही सॉ ए बर्ड। उसने एक चिड़िया देखा। एक दिन उसने एक चिड़िया देखा। इट पिक्ड अप सम वर्म्स एंड फ्लू बैक टू ए ट्री। उसने कुछ कीड़ों को पकड़ा और फिर वापस पेड़ पर उड़कर चली गई। द बर्ड्स ईट वर्म। चिड़िया कीड़े खाती है एंड सो दे कैन फ्लाई, इसलिए वो उड़ जाती है। चिड़िया कीड़े खाती है इसलिए वो उड़ जाती है, थॉट एडिसन। एडिसन ने ऐसा सोचा। इफ ए मैन ईट द इट, अगर मनुष्य भी इसको खाए, ही शुड ऑल्सो फ्लाई लाइक ए बर्ड, तो वो भी चिड़ियों की तरह से उड़ सकता है। सो ही कॉट ए फ्यू वर्म्स, इसलिए उन्होंने कुछ कीड़ों को पकड़ा, बीट देम इनटू ए पल्प, और उसमें जो कूटने वाली मशीन होती है, कूटने वाली औजार होता है, उसमें उसको उन कीड़ों को कूट दिया एंड मिक्स्ड इट विथ वाटर, और उसको पानी में मिला दिया। देन ही टुक द मिक्सचर टू देयर मैट। इसके बाद उस पानी मिले हुए कीड़ों को वो अपनी नौकरानी के पास ले गया। इफ यू ड्रिंक दिस मिक्सचर यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, अगर तुम इस मिक्सचर को, इस मिश्रण को पी लोगी, तो तुम भी चिड़ियों की तरह से उड़ने लगोगी। ही सेड, उसने कहा। द पुअर गर्ल बिलीव्ड एडिसन एंड ड्रैंक द मिक्सचर। वह बेचारी लड़की एडिसन के ऊपर विश्वास कर लिया और उस मिश्रण को पी गई। यू कैन फ्लाई, उस मिक्सचर को पी गई। यू कैन वेल इमेजिन दैट माइट हैपेंड टू हर। आप कल्पना कर सकते हैं कि उसके साथ क्या हुआ होगा। शी कुड नॉट फ्लाई बट फेल इल, वो उड़ तो नहीं सकी लेकिन बीमार पड़ गई। व्हेन एडिसन्स मदर केम टू नो ऑफ द इंसिडेंट, जब एडिसन की माँ को इस घटना के बारे में पता लगा, ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हर, और इससे उसने एडिसन की बहुत पिटाई की। थैंक यू। आप लोग इस बुक को अतिशीघ्र खरीद लें। पुस्तक अवेलेबल है, स्कूल पर है, या आप फ़ोन करके अगर आप कह देंगे तो आपके घर भी बुक को पहुंचाई जा सकती है।